बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान सबको मुबारक हो। उम्मीद है आप रोज़े से गुजर रहे होंगे। तो आज हम बनाएंगे एक सादा सा इफ्तारी का। इसमें हम प्याज जूस का इस्तेमाल करेंगे। ये 3 अदद मीडियम प्याज है जिनको हम बारीक बारीक काट लेंगे। जितना बारीक हो उतना ज़्यादा बेहतर है यह प्याज। तो आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज को काफी हद तक बारीक काट दिया है। अभी हम ये थोड़ी सी पालक लेंगे, इसको बारीक बारीक काट लेंगे। जी हाँ, अभी इसको बारीक काट के हम दूसरे बर्तन में रख लेंगे। तभी एक बड़े बर्तन में हम प्याज को डालेंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, ये जो हमने पालक बारीक काटी थी इसको हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अंदर हम तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके, और अभी इसको हमने मिक्स करने के बाद कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देना है। ये हम 3 बॉयल अंडे लेंगे, इसके 4 4 पीस आपने निकाल लेने हैं, लेकिन एक जो अंडा है उसका जो हाफ पीस है उसको साइड पर रखना है। अभी हम ये जो हमने मिक्सचर बनाया था प्याज का, उसमें थोड़ा सा बेसन शामिल करेंगे, करीब 2 बड़े चम्मच। इसमें थोड़ी सी ये मिर्ची हम शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। अब ये जो अंडा हमने एक हाफ रखा हुआ था इसको इसमें डाल देंगे छोटा छोटा करके। अब इसके छोटे छोटे पीस लेके हम जो उबला हुआ अंडा है इसके अंदर रखेंगे 1 पीस। इसको अच्छी तरीके से आपने लेप कर देना है चारों तरफ से अच्छे तरीके से। ये तैयार है अभी हमारा। इस तरीके से हम बाकी अंडे जितने भी हम बना सकेंगे इससे मटेरियल से, उतने अंडे हमने बना के साइड पर रख लेंगे। हो सकता है 4 बने, 5 बने, 6 बने, जितने भी बनेंगे आपके उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो ये अभी हमने ऑयल को गर्म करना है, और ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि मीडियम फ्लेम पे हो, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जला देगा, और कम गर्म होगा तो सारा का सारा ऑयल आपके जो पकौड़े वगैरह जो भी हम बना रहे हैं इसमें जज्ब हो जाएगा। अभी ये आप हम इसमें ये डालेंगे। अभी हमने इसमें 3 पीस डाल दिए हैं, और इनको अभी हम मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे। इसको बस साइड चेंज कर दिया हमने, इसकी फ्राई हो चुकी है। ये तकरीबन जो मेरा टाइम था इसके मुताबिक इसको 5 मिनट लगेंगे एक साइड को, एक मतलब सेट को पूरा तैयार होने में, फ्राई होने में। ये हम इसको बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारा बेहतरीन किस्म का तैयार हो चुका है अंडे अंडा और पकौड़ा टाइप। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दुआ में याद रखिएगा।